अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है काइट शॉपिंग 2023 उत्तरायण मेकर संस्कृति वीडियो मोनो काइट फ्लाइंग मंजो फाइटिंग पतंग फाइटर। फाइनली हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मयंक भाई ब्लॉग में आपका स्वागत है। फाइनली अपन लोग न्यू ब्लॉग लेके आ चुके हैं। अपन लोग भाई काइट शॉपिंग करने वाले हैं। चंदा पतंग वालों के यहाँ काफी मस्त दुकान है और काफी फेमस दुकान है अपने यहाँ की। भाई अभी इनके यहाँ दोबारा वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अब अपडेट हो चुकी है इनकी दुकान। काफी सारा सामान आ चुका है, काफी सारा माल आ चुका है। चलिए फटाफट अपन लोग सामान लेते हैं। काफी सारे नए नए मंजे आए हुए हैं। इधर देख रहे कॉटन मांजे इस तरीके आ गए भाई, तो अपन लोग लेते हैं। आइए फटाफट, कॉटन मांजा भी बहुत मस्त मस्त आ गए हैं बरेली के। अभी अपन लोग ने चरखी निकाल ली अपने चरखा 12 रील का जो वाला है। अब भाई इसमें भरवाते हैं प्योर कॉटन मांजा बरेली का। चाचा का नाम है चंदा और भाई काफी मस्त दुकान है, काफी पुरानी दुकान है झांसी की। बरेली का मांजा होता है ना, तो बरेली का मांजा दे दो आप। थोड़ा कड़क सा हो जाए माल, एकदम खड़ा होगा, पर गया होगा, बनाम बन जाएगा। फिलहाल अपन लोग डार्क ग्रीन वाला मांजा लेते हैं और काफ़ी अच्छा आएगा। मशीन है कि ऐसे हाथ से बन जाए? हाथ से बन जाए। करो 20 रुपये का बन ले रहा है एक बारी का। और फिलहाल इनके यहाँ जो काफ़ी पुराना पुराना मांजा है ना, बहुत बेहतरीन निकलता। डार्क ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का जो मांजा है ज़्यादा अच्छा निकलता। कागज की पतंग दे दो आप। कौन छल लेते होंगे? खाना है, माल खत्म हो गया है। हम चरखी लेना चाहेंगे, क्या रेट की? 200 रुपये की मिल जाएगी आपको, छोटी वाली चरखी मिल जाएगी 200 रुपये की है। बढ़िया माल माल जी चाहिए माल? हाँ, इसी का, इसी का छोटे वाली होगी। सिर्फ 3 रील की है ना, मतलब 6 रील। 6 रील फिलहाल जो जितनी भी चरखियाँ लगी 6 रील की है। सबको सजेशन देते हैं हम अपनी तरफ से भाई, डार्क कलर का मांजा उड़ाए और कॉटन मांजा सबसे बेस्ट है ये भी। डार्क कलर में हमने लिया है, डार्क ग्रीन कलर का अलग ही दिख रहा होगा मांजा, एक नंबर मांजा है। और फिलहाल अपन लोग ले रहे हैं कागज वाली पतंगे, कुछ ज्यादा नहीं ले रहा है अपन लोग, सिर्फ कागज वाली पतंगे लेंगे अकेले। काफी मस्त मस्त पतंगे भी मिलते हैं। अभी आपको चाचा से भी बात करा दें कहाँ पे है ये दुकान। पतंग कितनी करना है आपको? बढ़िया, 4 कर दो। कितनी वाली है? 15 रुपए की। दो अपन ने अभी जो वाली पतंगे ले ली 4, 15 रुपए की 2 है, 30 रुपए की 4 है, और ये मांजा ले लिया 20 रुपए का, और एक बारी का हो जाएगा ये मांजा। इतनी बड़ी पतंग, इतनी बड़ी बड़ी पतंग बनाते हो, और जब उड़ती है तो ऐसा लगता है उड़ता हुआ बच्चा आसमान में, इतनी मस्त पतंग देती है। तो अभी फिलहाल बाहर है ना? बाहर गए हो, कल आ जाएंगे वो, तो कल हम करवा देंगे, परसों करवा देंगे। अगर अभी पतंग बनाएंगे तो हमारे लिए हम ऑर्डर दे देंगे अभी अपने लिए। नहीं बनाएंगे वो इस टाइम। अच्छा, सीजन में नहीं बनाते, ऑफ सीजन में बनाते हो? अच्छा, जब ऑक्सीजन में फ्री रहते ना, तो फ्री में बैठ के आराम से रूम में पतंग काटा छीला छाली करेंगे और फिर डिजाइन डालेंगे उसमें। डिजाइन तुम देख लो खूबसूरत, जैसे डिजाइन नहीं देख, मतलब पंजाबी या पाकिस्तान वाला जो ड्रेस। अरे एक से एक डिजाइन है यार, बहुत खूबसूरती डिजाइन है। इतनी बड़ी पतंग थी 50 रुपये लाइन ऐसी टांगते थे हम डिजाइन बना बना के। हाँ, खेज झील दोनों का है, तेज हवा में ढील, मध्य हवा में खेत से लड़ता है। माजा कोई भी हो लड़ता है सर, खेच तेज हवा में ढील। ठीक है, मैं जय वाला भी हूँ। तुम पतंग उड़ाते? हमारे मस हमारे मदर से मैं तो खुद उड़ती पतंग असर से मगरिब तक। चाचा से सबसे पहले नाम पूछते हैं और उनकी दुकान पूछते हैं कहाँ पे है। चलिए चाचा आप बता दीजिए। हमारा नाम है चंदा पतंग वाले, साथी बाजार झांसी, और ये दुकान अपनी बहुत पुरानी है। अच्छा, और इस पे हमारे दादाजी बैठते थे, पापा जी बैठते थे, अब हम संभालते हैं इस दुकान को। झांसी में अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको शुभकामनाएँ हमारी संक्रांति, और आप जितने भी बच्चे हैं बेटा अपना ध्यान रखें कि कभी भी कोई ऐसा काम मत करें जिससे कि आपके मम्मी पापा को परेशानी हो या किसी से कष्ट हो। ऐसा काम करें जिससे बच्चे हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। तो फिलहाल अपन ने भाई अभी सामान तो ले लिया, जितने भी ये मांजे देख रहे हैं ना, ये सारे मांजे 1-2-3 के डोर पे बने हैं और सारे डार्क कलर के मांजे हैं और बढ़िया बढ़िया मांजे हैं, काफी बढ़िया कॉटन मांजे आ चुके हैं, नया माल आ चुका है। मकर संक्रांति के लिए भाई आपको इस तरह से सामान लेना है तो बेधड़क रिकमेंड है कि आप लेके जाइए मांजे, ब्लैक मांजा, रेड मांजा और डार्क ग्रीन मांजे काफी मस्त रहेंगे। जो चल रहा है अभी हाल फिलहाल में मैंने खोल लिया है,
चलिए फटाफट घर पे चलते हैं और पतंगबाजी करते हैं, आइएगा। फाइनली गाइस अभी अपन लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं चंदा पतंग वालों के यहाँ से और काफी मस्त शॉपिंग हुई है अपनी। क्या तगड़ा तगड़े मांझे आए हुए हैं भाई, एक नंबर मांझे ब्रांडेड बिल्कुल। काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने कहाँ से ली थी ये चरखी और कितने की आई थी, तो भाई ये मैंने शायद से 300 कुछ का गुल्ला भरवाया था, 320 या 350 का शायद से। इसमें पूरी 1 किलो सद्दी भरी है। फिलहाल अपन लोग इसमें मंजा लपेटे हुए हैं जो अपन लोग चंदा पतंग वालों के यहाँ से दुकान से लिया आएगा। अब फाइनली गाइस अब आप सोचते होंगे कि भाई मांझा कैसे लें, मांझा लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती होगी, कौन सा मांझा लें और कैसा लें। फिलहाल जो अभी मैंने मांझा लिया ये देखो भाई इस तरीके है, काफी मस्त है लेकिन डार्क है ना। एक चीज देखोगे आप, बहुत डार्क मांझा है, डार्क ग्रीन, डार्क रेड, डार्क मेहरून टाइप का हो गया। ब्लैक कलर का मांझा तो सबसे बढ़िया रहेगा। अब एक चीज और चेक करनी है कि हाथ फेर के अगर आपके हाथ पे महसूस हो रहा है ना मांझे का कि भाई हाँ जी है बाकी में, एक चीज और बताना चाहेंगे, ऐसे आप देखो इसके छल्ले बन रहे, देखो अलग ही टाइप से छल्ले बन रहे हैं, अलग कड़क है। कड़क मांझा लेना है सर्दियों में क्योंकि इस समय क्या है सर्दियां रहती, मौसम में मॉइस्चर रहता है, आप देखते होंगे कागज वाली पतंग कभी कभी फट भी जाती ओस की वजह से। ओस में क्या है मंजा कड़क रहेगा ना, जितना कड़क रहेगा उतना अच्छा है। सामान मैंने क्या क्या लिया था, 20 रुपए का मंजा लिया था मैंने, एक बारी का मेरे यूज हो जाता भाई सीधी बात है, तो मैं एक बारी के लिए ले लेता क्योंकि ज्यादा बेस्ट रहता। और काफी मस्त मंजा है इनका, बरेली का मांझा है ये। अपन ने लिए 4 पतंगे कागज वाली, 15 रुपए की 2 मुड्डे दी है ये, और काफी मस्त है ये, मंजूली साइज है, काफी अलग अलग डिजाइन भी दी है। ये अखियल और ये है पटियल, पटियल में भी डिजाइन है कि देख लो भाई। अगर आप झांसी में रहते हैं तो भाई चंदा पतंग वाले इनके यहाँ से आप सामान ले सकते हो, बेधड़क काफी मस्त मस्त सामान है। और भाई आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर भी कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हैं, तो बेल आइकन जरूर ऑल कर लीजिए क्योंकि अभी मकर संक्रांति आने वाली है, तो अपन लोग काफी सारी वीडियो डाल रहे हैं लगातार। तो आप सभी को भाई हैप्पी मकर संक्रांति। आप लोग भाई कमेंट में भर भर के आई लव काइट लिखिए, तो बहुत पसंद करता हूँ भाई काइट को, काफी मजा आता है मुझे पतंग उड़ाने में, काफी मजा करिए मकर संक्रांति वाले दिन। आज का भाई क्वेश्चन ये रहा कि भाई इसको हम बोलते हैं चरखी, आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं इसको बोलते क्या है। काफी लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, इस तरीके कुछ अलग जानने को ना एक खुशी सी मिलती है कि फिरकी बोलते हैं, चरखी बोलते हैं या पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। आप लोग बता सकते हैं इसको क्या कहेंगे अपन लोग अपनी भाषा में, आप लोग जहाँ से भी दिख रहे हैं, तो लव फ्रॉम भाई हो जाए कमेंट में काफी भर भर के। चलिए चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, खत्म, टाटा बाय बाय। तो जी गाइस ये हो रही थी गुजरात फेस्टिवल में, काइट फेस्टिवल में वहाँ की सारी तैयारी। तैयारी तो जोरों शोर से हो गई है, अब उड़ाने की तैयारी है, तो हम भी जाके पतंग उड़ाएंगे वहाँ पे, मजे लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इंटरेस्टिंग एक फेस्टिवल कहते हैं इसको, इंटरेस्टिंग फेस्टिवल है। लोग जोशों खरोश से इसमें माल बनाते भी है और बहुत लाखों की तादाद में बिकती भी होगी पतंग इस तरीके से। हर जगह मतलब पतंग का फेस्टिवल मनाना, मतलब कि जिस तरह हमारे लाहौर में भी बहुत ज्यादा ये लाखों की तादाद में बिक जाती है और वहाँ पे बहुत सारी बैट्स भी लगती है इस तरह। वहाँ पर काइट में मतलब कि काइट का एक जुनून होता है ना, ये देखो ये भी एक नशा है काइट का, अगर बैठ जाए तो वो करना ही करना है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये चीज़ें यानी तकरीबन लड़कों के अंदर ये शौक़ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आजकल तो ये जब बसंत का महीना होता है यहाँ पे हमारे इधर और वहाँ पे ये काइट्स का भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो लड़कियों के अंदर भी बहुत जुनून आ गया कि ये काइट्स उड़ाने का ये वो, यू नो जब हमारे इधर जब ये लाहौर में जब मनाया जाता है बसंत का महीने में काइट्स का, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ काइट्स के लोग खरीदारी कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं मांझे किसके, यहाँ तक कि हम अपने ड्रेसिंग की भी हम खरीदारी करते हैं अलग अलग। हम ड्रेसिंग होता है काइट्स पे फोकस होता है, काइट्स का नाम होता है लेकिन हम अपनी अपने ड्रेसिंग भी हम खरीदारी करते हैं कि भाई हमें ये उस वक्त हमें जाना है बसंत के महीने में, हमें ये जब काइट्स उड़ाएंगे तो हमें ये ड्रेसिंग पहननी है, यानी हर चीज़ की, हमें ये पर्स उठाना है, हमें ये शूज़ पहनने हैं, हमें ये करना है, यानी गाइड्स के साथ साथ हम अपनी भी शॉपिंग कर रहे होते हैं। क्यों कि एक जज्बे के साथ एक जुनून होता है कि हमें काइट्स के हमें ये बसंत के महीने में जाना है, तो इसी तरह ये इंडिया में भी ये जो मनाया जा रहा है, तो ये बसंत का महीना काइट्स फेस्टिवल बसंत ही कहेंगे एक तरीके से, काइट फेस्टिवल मतलब कि बसंत, बसंत तो बसंत में आता है लेकिन वहाँ भी इसी तरह होता होगा कि अगर ये काइट्स के साथ साथ ये लोग अपनी ड्रेसिंग का वहाँ भी ख्याल रखते होंगे कि यहाँ हमें ये करना है, जो होता है लड़कियों में लड़कों में शाहरुख खान का गाना है ना, उड़ी उड़ी जाए दिल की पसंद देखो उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए सॉरी सॉरी। तो ये यानी काइट्स एक ऐसी चीज़ है
कि लड़का हो या लड़की हो या बच्चे हो, उनका माइंड फ्रेश हर हालत में होना है और इन्जॉय भी करते हैं लोग, खाने पीने की मज़े मज़े की चीज़ें भी खा रहे होते हैं। यानी वो एक ऐसा ये फेस्टिवल है कि ये भूले से भी ना भुलाया जाता है, एक मतलब यादगार रह जाता है। मज़े करते हैं, इन्जॉयमेंट करते हैं, वहाँ पे हर चीज़ की तैयारियाँ हो रही होती है कि नहीं यार कायड आसमान में नजर होगी इधर से, ये वाली पतंग हाँ यार ये वाली नहीं, इसके पीछे इसको काटते, वो बोलते उस वाली नहीं नहीं वो वाली उसको यार वो अच्छी लग रही, दूर जाते पीछे तो कोई पतंग तो नहीं आ रही काटने के लिए, सारी चीज़ देखनी पड़ती। काइट का मजा है अलग, ये बिजी रहता है बंदा बिल्कुल। अच्छा ये मैंने वहाँ पे देखा जिस तरह ये इन्होंने शॉपिंग की, क्या नाम था शॉप वाले का पता नहीं, चंदा ऐसा कोई, हाँ ऐसा कुछ नाम था, लेकिन वहाँ पे काफी उनके दादाजी के टाइम से काफी डिस्काउंट में चीजें मिल रही थी या की होगी डिस्काउंट में, लेकिन 20 रुपए का मांझा, 40 का ये वो जो चरखी, यहाँ भी चरखी कहते हैं, चरखा चरखी तो यही नाम है, और इसके अंदर यानी डबल डबल ये लोग की मांझे ये वो कर रहे थे, वो एक तो वाइट था। अच्छा ओके ठीक है, वो उसमें कोई मतलब कांच का काम नहीं हुआ हुआ था, कुछ भी नहीं, वो प्योर सद्दी होती है वो हाथ में, क्योंकि मांझा तो लोग हाथ से निकाल देते, मांझा हम हाथ में नहीं रख सकते, मांझा रखते हैं ना तो हाथ कट जाता है ओके जाते वक्त, जो भारी पतंग होती है तो मांझा कोशिश करते मांझा निकल जाए ओके, मांझा निकल के सद्दी हाथ में है, तो सद्दी भी एक निशान बना देती है पतंग बाज, जितने भी होंगे उनके यहाँ कट का निशान होगा। हाँ तो आपके भी रहे होंगे बहुत, ये निशान बन जाता है ना यहाँ पे, तो ये वो सद्दी होती है ये मांझा होता है, तो मांझे मतलब सद्दी लेना जरूरी है। अच्छा यानी ये जैसे कि एक अपनी सेफ्टी के लिए। अच्छा ये भी देखो, ये भी काफ़ी बढ़ता भाई हुआ है हमारे पाकिस्तान में या लाहौर में, कहीं पे भी ये बसंत का महीना आता है, पहले बहुत सारे इस तरह हादसे होते थे कि लोगों की गर्दनें कट जाती थी, कभी कोई छत से बच्चा ये पतंग के चक्रों में गिर जाए, तो पाबंदियां भी लगती थी यहाँ पे, लेकिन इन चीज़ों का आप लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें कि ये खुशी का माहौल गमगीन में ना बदल जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन इन चीज़ का आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि अपना शौक के साथ साथ अपने आप की हिफाजत भी करें, ख्याल भी रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें कि अपनी वजह से किसी और को कोई तकलीफ़ ना हो, मांझा हो या खेल हो या पतंग हो जो भी हो, अपने साथ साथ आप लोग दूसरों का भी भरपूर तरीके से ख्याल रखें, जिस तरह भरपूर तरीके से आप लोग शॉपिंग करते हैं इंजॉय करते हैं, इस तरह अपनी ज़िंदगी का भी ख्याल रखें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है तो उसको खूब अच्छी तरीके से इंजॉय भी करें और हिफाजत भी करें। तो इसी तरीके से आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों की फैमिली का भी ख्याल रखें, और सबका मतलब आपके जितना भी देश है उन सबका ख्याल रखें कि किसी को भी कोई अड़चन ना मिले, आपसे कोई भी कोई परेशानी में ना आए। तो इसी तरीके की हम आपकी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।